स्ट्रगल करना, वार्म अप में प्रॉब्लम्स आना, पंच ठीक से नहीं जाना, किक ठीक से परफेक्टली नहीं करना, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। और तब मैं ये कहती थी कि मैं गेम को अब छोड़ दूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। जब देखा इनके अंदर कि इतना जुनून है, इतना इतनी बड़ी हिम्मत पड़ी है, तो इसके लिए मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूं। पापा ने कहा कि हिम्मत नहीं आनी है, दैट्स इट। जब मैं उन दिनों खेलने गई थी, तब कर्फ्यू था, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उन दिनों कोई शॉप खुली नहीं रहती थी, कोई गाड़ी बाहर जाती किसी कस्टमर को लेके तो उस गाड़ी के सारे शीशे फोड़ देते। वो दिन मेरे लिए कयामत के दिन थे। जैसे वो बेचारी छुप छुप के, कभी पत्थरों के साए से लेकर, कभी दरख्त के साए से लेकर, कभी मकानों के पीछे पीछे छुप छुप के स्टेडियम आखिर स्टेडियम पहुँची जाती थी। मनी, राइस, फूड कुछ नहीं था, तो तब भी मेरे पापा मैनेज करके लाते थे। कभी अपनी एक खेत थी, हमें वो बेच दिया, हमने बोला नहीं इसके पीछे वो सब कुछ करना पड़ेगा, तो हम फिर दिल्ली में रहे। दिल्ली में गई, इंडिया कैंप्स लगे, स्ट्रगल किया, 3:30 o'clock उठना, 9:30 o'clock क्लोज करना। इतनी छोटे मन में वो नीचे स्टेडियम में जाया करती थी। मैं सोच रहा था शायद ये मतलब लड़की नहीं है, कोई फरिश्ता है। एक कश्मीर की आम लड़की के लिए इटली जाना, प्लेन में चढ़ना, फॉरेन कंट्री देखना, उतनी मेहनत करना। वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गई, जहाँ पे मैंने चाइना को हराया, इटली को हराया, जापान, कनाडा, फ्रांस, USA, बिल्कुल 6-5 चली मेरी। जो मैंने सोचा था ख्याल कि मैं इंडिया के फ्लैग को लहराऊंगी, अपने कश्मीर के इज्जत को बरकरार रखूंगी, जो कि मैंने किया, और उस टाइम वो मेरे लाइफ का पहला स्टेप था। तो फाइनली मैंने अपनी हेल्थ स्पोर्ट्स एकेडमी खोली, जिसमें आज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मेरी एकेडमी से जो भी होगा, मैं तो पूरे दिल से उनको दुआ करूँ, उनके लिए दुआ करूँगी और सिखाऊंगी, और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो मेरी तरह आगे बढ़े, एक अच्छा स्टेज पाए खुद के लिए। मैं लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ कि लड़की लड़के से कम नहीं है। जो लोग ये सोच लेते हैं कि लड़की को आगे नहीं जाने देना चाहिए, किसी भी मैदान को फेस करने दो, और देखो आजकल के दौर में लड़कियां लड़कों से अच्छी करती। I'm happy कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट किया, और फ्यूचर प्लान है डॉक्टर बनना और एक ओलंपिक में गोल्ड लाना।